पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पत्र लिखा है जिसमें केंद्र सरकार की आईपीडीएस स्कीम में भेजे गए केबल एवं ट्रांसफॉर्मर भ्रष्टाचार करके प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को बेचने के लिए जिम्मेदार अफसरों एवं ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अफसरों में एवं ठेकेदारों की मिलीभगत है जिसके चलते केबल और ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट कॉलोनाइजर को भेज दिए गए हैं। ऐसे प्राइवेट कॉलोनियां जहां अभी प्लॉटों का भी आवंटन नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। शहर कांग्रेस का कहना है कि अगर इस घोटाले में अगर जांच नहीं बिठाई गई और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिजली विभाग से शहर कांग्रेस ने एक पत्र व्यवहार किया है, किस तरीके का पत्र व्यवहार है? नहीं, बिजली विभाग से हमने दो तीन तरह के पत्र व्यवहार किए हैं। एक पत्र व्यवहार तो ये किया कि जो बिजली की बिल जो आम उपभोक्ता गरीब आदमी को जो बेहिसाब के हिसाब से भेजे जा रहे हैं, जिसका बिजली का बिल होना चाहिए 500 रुपये, वो लगभग 5000 के आसपास आ रहा है। ऐसा अनेक आम उपभोक्ता, आम जनता, गरीब जनता को बिल भेजे जा रहे हैं कि हमें मांग करिए कि तत्काल रूप से उन बिजली का बिलों को सुधार किया जाए, उनको राहत प्रदान की जाए। दूसरा, अभी लगभग तीन वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उस घोटाले को लेकर भी हमने जाँच की मांग करी थी। हमने अमित जो MD साहब से पहले अमित तोमर जी, उनको हमने ज्ञापन भी दिया था और एक लेटर भी भेजा था, उस पर वो कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से आपने पत्र व्यवहार किया है, 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, अगर 10 दिन के बाद भी अगर जो घोटाले हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शहर कांग्रेस क्या करेगी आगे? आने वाले समय पर हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो पोलो ग्राउंड ऑफिस है उसका घेराव करेंगे और मांग करेंगे जो दोषी का अधिकारी और कर्मचारी उसमें जो लिप्त पाए गए तत्काल रूप से उनको बर्खास्त किया गया, अन्यथा वो घेराव के बाद भी अगर शासन प्रशासन MPP वाले नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। तो शहर कांग्रेस बोल रही है कि उनके पास साक्ष्य भी है इस घोटाले के? निश्चित रूप से हमारे पास पूरा प्रूफ है, सबूत है, हमने सबूत सही थे उनको दिया था, आज भी हमारे पास सबूत है। हमने ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बेस है उनको भी हमने पूरी की पूरी विथ प्रूफ हमने पूरा मटेरियल भेज चुके हैं। क्या आने वाले समय निजीकरण को लेकर भी जो कर्मचारी हड़ताल पे गए इससे भी काम प्रभावित दिख रहे हैं आपको बिजली विभाग? बिल्कुल दिख रहा है, आप देखें आज दिन बिजली कटौती चालू हुई है, अभी आप इस ऑफिस में बैठे, अभी 1 घंटे पहले इसी ऑफिस में 1 घंटे के लगभग बिजली नहीं थी। आम जब से निजीकरण की बात शुरू हुई है जो पुराने कर्मचारी अधिकारी वो काम करने में